Welcome to today's class. Today we will discuss the topic nervous tissue. In the previous videos we have discussed the topic skeletal muscles, and now we will start with nervous tissue. So nervous tissue is composed of nerve cells or neurons and neuroglia. नर्वस टिशू में दो प्रकार के सेल्स होते हैं. नर्वस टिशू दो प्रकार के सेल्स से बना हुआ होता है. एक नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, एंड दूसरी जो सेल्स है जो नर्वस टिशू में होती है वो है न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, क्योंकि नर्वस टिशू का जो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, वो जो फंक्शन है वो न्यूरॉन परफॉर्म करता है. इसलिए न्यूरॉन हो गया नर्वस टिशू का फंक्शनल यूनिट. जो नर्वस टिशू है वो न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है, इसलिए न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया नर्वस सिस्टम का. न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स दैट फिल द इंटर न्यूरोनल स्पेस. देखिए जो दूसरी सेल है न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी होती है नर्वस टिश्यू में, लेकिन जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो नॉन नर्वस है. नॉन नर्वस मतलब न्यूरोग्लियल सेल का काम कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं है. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये काम है न्यूरॉन्स का. तो न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ पाई जाती है नर्वस टिश्यू में? जो इंटर न्यूरोनल स्पेसेस है. इंटर न्यूरोनल स्पेसेस मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच बीच में जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पर ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. द न्यूरोग्लियल सेल्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन एंड डिविजन, बट न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स. देखिए द न्यूरोग्लियल सेल्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन एंड डिविजन. जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, डिविजन होता है न्यूरोग्लियल सेल्स में. मतलब एक सेल से दो सेल बनेगी, दो सेल से चार सेल बनेगी, मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स का रीजनरेशन होता है. रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण. अगर न्यूरोग्लियल सेल्स को कुछ इंजरी होती है तो वो फिर से वहाँ पर नई न्यूरोग्लियल सेल्स बनेगी. बट न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल. लेकिन न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते. न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल. न्यूरॉन्स का रीजनरेशन नहीं होता क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं होते हैं. हमने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है क्लासरूम में, एंड मैंने जब सेल डिवीजन पढ़ाया था तभी मैंने पढ़ाया था सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है सेल डिवीजन में. सेंट्रोसोम में क्या होता है? सेंट्रोसोम में होता है सेंट्रियोल्स. दो सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में, जो अपोजिट पोल में पोल को मूव होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. उससे फाइबर, उसके ऊपर फाइबर अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, एंड स्पिंडल फाइबर को अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स. फिर वो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं और सेल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होती है. मतलब सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल ज़रूरी है, लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं होते. तो इसलिए न्यूरॉन्स का रीजनरेशन नहीं हो सकता, न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं हो सकता, वो परमानेंट है.
इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज अब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता। जैसे कि हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, उसमें भी मैट्रिक्स होता है जो फाइबर्स से बना हुआ होता है, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स नर्वस टिश्यू में नहीं होता जिसे बोलते हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब दो सेल्स में जो जगह होती है, खाली जगह, उसमें जो मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ये नर्वस टिश्यू में नहीं होता। न्यूरॉन इज़ एन इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। न्यूरॉन्स क्या है? इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन है वो स्पेशलाइज्ड सेल है। न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होता है एंड न्यूरॉन इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है। न्यूरॉन जो है इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। तो न्यूरॉन्स क्या है? इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। न्यूरॉन्स का काम ही है इम्पल्स को जनरेट करना एंड इम्पल्स को कंडक्ट करना। कंडक्शन मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, एंड जनरेशन मतलब इम्पल्स को तैयार करना। दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्विक कम्युनिकेशन होता है, तो ये क्विक कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स से ही होता है। न्यूरॉन्स चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं, तो न्यूरॉन्स का जो एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है एंड उससे फिर इम्पल्स कंडक्शन होता है। न्यूरॉन्स चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब कोई भी न्यूरॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करता है, तो उस न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी, या फिर डिफाइन एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, तो क्या लिखना चाहिए उसका आंसर? उसका आंसर ये होना चाहिए कि न्यूरॉन्स चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। दे ऑल्सो कैरी अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो डेंड्रॉन है वो डेंड्रॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में आते हैं ये पूरे एक्सॉन्स डेंड्रॉन। तो मैं आपको एक्सॉन एंड डेंड्रॉन फिर अगले वीडियो में, जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये कंडक्टिविटी ये पॉइंट हम आज डिस्कस कर लेते हैं। दे कैरी वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। जो न्यूरॉन का एक पार्ट है डेंड्रॉन, न्यूरॉन का दूसरा पार्ट है एक्सॉन, तो ये दोनों भी जो पार्ट्स है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ये प्रोसेसेस की फॉर्म में होते हैं। जैसे हेयर्स होते हैं ना, फाइबर्स, वैसे होते हैं वो प्रोसेसेस। लेकिन ये जो दोनों भी पार्ट्स है, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, ये न्यूरॉन के दो पोल पर होते हैं। दो पोल मतलब दो एंड पे होते हैं। एक एंड पे न्यूरॉन्स, ये इलोंगेटेड सेल है, एक एंड पे होंगे डेंड्रॉन, तो दूसरे एंड पे होंगे एक्सॉन। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है? दे ऑल्सो कैरी वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू
एक्सॉन जो इम्पल्स है, वेव इलेक्ट्रिक, जो वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब जो इम्पल्स है वो इम्पल्स डेंड्रॉन से एक्सॉन तक कैरी होती है. दिस इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी. एंड ये जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन की, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है न्यूरॉन का, दिस इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऐसा कि राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन, तो हमें लिखना चाहिए नंबर वन एक्साइटेबिलिटी एंड नंबर टू कंडक्टिविटी. एक्साइटेबिलिटी मतलब न्यूरॉन एक्साइट होता है जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करता है. लेकिन वो एक्साइट कैसे होता है? जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करता है तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, जिसे न्यूरिलेमा बोला जाता है, वो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है. एंड इस तरह से वो न्यूरॉन एक्साइट होता है. फिर दूसरी, इसी को बोलेंगे हम एक्साइटेबिलिटी. और न्यूरॉन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूरॉन में जो इम्पल्स कंडक्ट होती है, वो इम्पल्स का कंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन. इम्पल्स न्यूरॉन के डेंड्रॉन से एक्सॉन तक ट्रांसमिट होती है, कंडक्ट होती है. दिस इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू, तो हमें लिखना चाहिए नंबर वन नर्व सेल्स और न्यूरॉन एंड नंबर टू न्यूरोग्लियल सेल्स, ऐसे हमें लिखना चाहिए. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन, न्यूरॉन्स में रीजनरेशन क्यों नहीं होता, तो हमें आंसर में लिखना चाहिए न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल. ऐसा अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन इन विच टिश्यू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज अब्सेंट, तो हमें लिखना चाहिए उसका आंसर इन न्यूरल टिश्यू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज अब्सेंट. और दूसरा भी टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अब्सेंट होता है. तो यहाँ पर हमने न्यूरल टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का इंट्रोडक्शन आज लिया है. नेक्स्ट पीरियड में हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे.